बनाम श्रीलंका। श्रीलंका को 3-0 से हराने के रोहित शर्मा ने किया खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। आपको पता होगा सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम 3 T20 का 3 मैच खेला, जिसमें से भारत ने श्रीलंका को 3-0 से हरा दिया था। बात करें आखिरी मुकाबले के, तो यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक था, जिसमें से भारत के खिलाड़ी बैटिंग से फ्लॉप हो गए थे, मात्र 137 रन पर ही बना पाए थे 20 ओवर में, जिसमें से श्रीलंका की टीम भी 137 रन ही बना पाई और यह मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंच गया था। सुपर ओवर में पहुंचते ही श्रीलंका के आए 3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी बैटिंग पर आए और बैटिंग करने 2 खिलाड़ी 2 रन ही बना पाए और 2 विकेट गंवा बैठे और भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर बॉल को करा रहे थे। श्रीलंका ने 1 ओवर में मात्र 2 रन ही बना पाई। और बात करें भारत की, तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव के आने के बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर थे। क्रीज पर पहले ही गेंद पर चौका लगाकर सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में जीत दर्ज की और 3-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया था। अब बात करें ओडीआई मैच की, तो ओडीआई मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जैसे महान प्लेयर की वापसी हो गई है। वनडे मैच की बात करें, तो वनडे मैच का पहला मुकाबला 2 अगस्त को खेला जाएगा, वहीं दूसरा मुकाबला 4 अगस्त को और तीसरा 7 अगस्त को खेला जाएगा। यह मुकाबले की बात करें, तो यह मुकाबला श्रीलंका में ही खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार 2:30 पर शुरू होगा और 2 बजे टॉस फेंका जाएगा और 2:30 पर पहली गेंद फेंकी जाएगी। और आइए हम आपको बताते हैं इस मुकाबले में किन 15 खिलाड़ियों को मौका मिला और किन 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा जैसे महान खिलाड़ी T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके थे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। उसके बाद जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दौरे पर T20 मैच विराट कोहली, रोहित शर्मा कोई दिखाई नहीं दिया था। ऐसे में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया था। अब सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया वनडे का। अब वनडे मैच में आपको रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे और रोहित शर्मा ने कप्तान नए हेड कोच बनते ही गौतम गंभीर से मिलकर इन 15 खिलाड़ियों को शामिल किया है। हम आपको बता दें कि नए हेड कोच बनते ही गौतम गंभीर के नेतृत्व में पहला वनडे 2 अगस्त को खेलेगी भारत। जैसा कि आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप 2023 जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन गौतम गंभीर ने श्रेयस अय्यर को वनडे टीम में वापसी कराया है और रियान पराग को भी टीम से में मौका मिला है। आपको मालूम होगा कि अय्यर दिसंबर 2023 में आखिरी वनडे मुकाबले खेले थे, जिसमें से उन्होंने 23.45 के औसत रेट से अपना रन बनाया था। रोहित शर्मा को कप्तानी बनते ही श्रीलंका की टीम ने भी कप्तानी पद से हटा दिया है। श्रीलंका ने अपने एक में इस नए नवेले को कप्तान बनाया। कुचिन मेंडेस को वनडे की कप्तानी से हटाकर चयन तो श्रीलंका को जिम्मेदारी मिला है। आपको मालूम होगा भारत में T20 के खिलाफ चयनित श्रीलंका ने कप्तानी किया था, जो कोई मतलब नहीं था। T20 वर्ल्ड कप 2024 में अनुदा श्रीलंका ने कप्तानी की, लेकिन ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। आपको बता दें कि तीसरे T20 मुकाबले में मथीसा पत्रियाना और असित फर्नांडे दोनों मुकाबले से बाहर हो गए थे, लेकिन इस वनडे सीरीज में मथीसा पत्रियाना और असित फर्नांडे की टीम में वापसी हो चुकी है। यह मुकाबला अब कुछ ही घंटों में कल खेला जाएगा। यह मुकाबला, इस सीरीज का अहम मुकाबला होने वाला है। आपको बात बता दें कि यह मुकाबला आप कहां देख सकते हैं, आप सोनी स्पोर्ट के नेटवर्क पर देख सकते हैं और वही आप मोबाइल में देखना चाहते हैं और लैपटॉप में, तो सोनी न्यूज ऐप पर देख सकते हैं। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच हेड टू हेड मैच की बात करें ODI के, तो वनडे में कुल 168 मैच दोनों टीमों के बीच खेला गया है, जिसमें से 99 मुकाबले भारत ने जीता है और वही श्रीलंका ने मात्र 57 मैच जीते हैं, जिसमें से 1 मैच टाई हो गया था और 11 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके अलावा श्रीलंका टीम अपने भारत में कुल 28 वनडे मुकाबले हारने में सफल रही, जबकि 32 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है श्रीलंका को। अब बात करें दोनों टीमों की स्क्वाड की बात करें, तो आपको रोहित शर्मा, शुभमन गिल आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। रोहित शर्मा कप्तान और शुभमन गिल उप कप्तान आपको
ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। रोहित शर्मा को आपने जानते होंगे कि रोहित शर्मा 262 वनडे मैच खेले जिसमें से 3 द्वारा शतक शामिल किया और इसमें से जो कभी ने टूटने वाला रिकॉर्ड 264 रन था वो इसी टीम के खिलाफ रोहित शर्मा ने मारा था 2016 में। इसमें से 30 शतक और 55 अर्धशतक लगा चुके हैं रोहित शर्मा। फिर बात करें शुभमन गिल, तीसरे नंबर पर आपको विराट कोहली के राहुल खेलते नजर आ सकते हैं। फिर 4 नंबर पर ऋषभ पंत खेलते नजर आ सकते हैं। 5 नंबर पर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर आपको खेलते नजर आ सकते हैं। 6 नंबर पर शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, ऐसे कुछ शेरों की एंट्री हुई है। कोई बात करें श्रीलंका टीम को तो श्रीलंका टीम में पहले नंबर पर चयनित श्रीलंका आपको कप्तानी पुथुम निशंका दोनों ओपनिंग बैटल करने आ सकते हैं। 3 नंबर पर